नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। बिग बॉस 14 में नजर आ चुकी निकिता अंबोली ने बीते 4 मई को कोरोना के चलते अपने भाई को खो दिया। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से निकिता अंबोली के भाई जतिन का निधन हो गया। भाई की मौत के बाद भी निकिता अंबोली ने हिम्मत नहीं हारी और 6 मई को केपटाउन के लिए रवाना हो गई। निकिता अंबोली केपटाउन में खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग करने वाली हैं। इसी बीच निकिता अंबोली ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ फोटो शेयर की, जिनकी वजह से लोग उन्हें काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल भाई के देहांत के बाद निकिता अंबोली का केपटाउन जाना लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं कुछ लोगों ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि भाई की मौत के बाद निकिता अंबोली सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर क्यों कर रही है। कुछ समय पहले ही निकिता अंबोली खतरों के खिलाड़ी 11 के बाकी सदस्यों के साथ मस्ती करती हुई नजर आई। इसके बाद से ही लोग निकिता अंबोली को खरी खोटी सुना रहे हैं। वहीं निक्की ने हेटर्स को जवाब भी दिया है, मेरा भाई भी तभी खुश होगा जब मेरे चेहरे पर मुस्कान होगी। लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, ये लोग मेरे पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। मैं इन सभी लोगों से बस एक की बात कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को पूरा करो। इन सपनों के पूरा होने से परिवार और तुम्हारे माता पिता दोनों ही खुश रहेंगे। तो निक्की अंबोली की ये फोटोज़ काफ़ी वायरल हो रही हैं, जिसमें ये काफ़ी मस्ती करती हुई दिख रही हैं। हाल ही में भाई को खोने के चलते लोगों ने इनका ज़रूर क्लास लगाई, लेकिन निकिता अंबोली ने भी अपने सारे ट्रोलर्स और हेटर्स को जवाब भी दिया। वे कह रही हैं कि उनकी खुशी में ही उनके भाई की खुशी है और भाई के चले जाने से मेरा दुखी रहना ज़रूरी नहीं है। तो आपका इस पूरी स्टोरी को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो को यही ख़त्म करेंगे। नमस्कार।